बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुल्तानी मछली मंडी वाला। जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है असील मुर्गी कितने अंडे देती है, ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी असील होती है या नहीं होती, या कम अंडे देने वाली मुर्गी असील होती है या नहीं होती, या कौन सी अच्छी नस्ल की मुर्गी होती है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। जी दोस्तों, जी नाज़रीन, प्रॉपर वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जी दोस्तों, तो हम बात करेंगे असील मुर्गी कितने अंडी देती है। जी दोस्तों, असील मुर्गी की प्रॉपर काउंटिंग तो नहीं होती, मतलब वो कितने अंडे देती है ये, मतलब हम एक आइडिया से अंदाजे से बता सकते हैं, कम से कम 10 अंडे, 10 से लेकर 25 अंडे तक देती है। और अगर नॉर्मल देगी तो वो 18 भी दे सकती है, 13 भी दे सकती है, तो इस हिसाब से वो अंडे देती है। एक चीज़ ये हो गई। अब बाज़ दोस्तों का ये भी सवाल मैं आप लोगों का क्लियर करता रह जाऊं कि बाज़ लोग कहते हैं हमारे यहाँ मुर्गी असील मुर्गी 35 अंडे दे गई है, 40 अंडे दे रही है। नहीं, वो असील मुर्गी बिल्कुल नहीं है जो ज़्यादा अंडे देगी। हाँ, 25 से 27 कर सकती है या 10 से 8 कर सकती है, इस चीज़ का तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर 35 आप बोलेंगे, 40 बोलेंगे तो वो असील मुर्गी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों तक ये थी कि भाई कौन सी मुर्गी ज़्यादा अंडे देती है। तो जी दोस्तों, मुर्गी की खुराक पे डिपेंड करता है कि मुर्गी की खुराक पे डिपेंड करता है, मतलब और मुर्गी की नस्ल पे भी डिपेंड करता है। कोई उसमें जो है ना, असील मुर्गी के अलावा मियाँ वाली नस्ल होती है, सिंधी नस्ल होती है, तो क्रास नस्ल होती है, उसकी भी वजह होती है, वो ज़्यादा अंडे भी दे सकती है और कम भी अंडे दे सकती है, और उसकी खुराक पे भी दारोमदार है। अगर उसको खुराक अच्छी डलेगी, ज़्यादा डलेगी, तो अंडे ज़्यादा भी दे सकती है। अगर उसको खुराक कम पड़ रही होगी तो वो कम अंडे भी दे सकती है। तो उसकी वजह ये है कि अगर मार्केट के अंदर ऐसी खुराक भी आई हुई है कि वो ज़्यादा अंडे देने वाली खुराक होती है, एक ऐसी खुराक होती है जो आप मुर्गी को डालेंगे तो उसमें जो है ना वो मुर्गी ज़्यादा अंडे देती है, और ऐसी तो उसकी एक ये वजह भी होती है। दूसरी वजह ये भी होती है कि अब मुर्गी जवान है तो वो ज़्यादा अंडे देगी, जैसे जैसे मतलब आपने उस मुर्गी से एक दफ़ा अंडे निकलवाए हैं तो वो ज़्यादा देगी, अगर दूसरी दफ़ा आपने अंडे निकलवा लिए हैं तो वो फिर जो है ना कम अंडे देगी, अगर आप तीसरी दफ़ा निकलवाएंगे तो उससे और कम देगी। तो उसकी एक ये वजह भी होती है। तीसरी वजह ये भी होती है कि कम अंडे जब तब मुर्गी देती है, गर्मियों के मौसम में मुर्गी अंडे कम देती है, सर्दियों के मौसम में मुर्गी अंडे ज़्यादा देती है। तो एक बात और मैं भी आपको क्लियर करता चाहूँ कि ये जो मुर्गी एक असील मुर्गी एक ऐसी भी होती है जो 10 अंडे से ज़्यादा नहीं देती, मतलब 7 अंडे देती है, 8 देती है, 9 देती है, 10 अंडे देती है, तो वो फ्लाइंग मुर्गी होती है, फाइटर मुर्गी होती है, तो वो जो है ना बहुत अच्छी मुर्गी होती है। तो उसमें मैंने आपको ये तीन चीज़ें बता दी कि वो जो है ना गर्मियों में भी अंडे कम देती है, उसके अलावा उसकी खुराक पे भी दारमदार होता है, और जब मुर्गी जवान होती है तो वो जो है ना अंडे ज़्यादा देती है। तो यही वजह है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मेरी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके।